वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सीखेंगे तिल की चटनी कैसे बनाई जाती है इंस्टेंटली। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए एक कटोरी तिल, कटी हुई प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, जीरा तड़के के लिए, घी या रिफाइंड या ऑयल आप जो भी यूज करना चाहें, और नमक। अब आपको क्या कर लेना है, आपको मिक्सी यूज करनी है इन्हें ग्राइंड करने के लिए। आप तिल डाल लें अपने अकॉर्डिंग जितने आपको यूज करने हैं। मैं हाफ कटोरी ले रही हूं और आपको प्याज डालनी है बारीक कटी हुई अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। फिर आप टमाटर, हरी मिर्च और नमक स्वादानुसार अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। अब आपने इसको क्या करना है, ग्राइंड कर लेना है। अब ये बिल्कुल ग्राइंड हो चुका है हमारा, जैसे कि आप देख सकते हैं। आप इसमें अगर आपको चटनी को थोड़ा पतला करना है तो आप वाटर यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कई लोग जो मोटा रखना चाहते हैं वो कम वाटर यूज कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इसमें वाटर ऐड किया है थोड़ा सा, ताकि ये थोड़ा सा इस तरह से आपका थोड़ा पतला हो जाए। अब हमने क्या करना है, इसे तड़का लगा देना है जीरे का। वैसे अगर कुछ लोग चाहें तड़का नहीं भी लगाना चाहें तो ये आपकी मर्जी है। अगर आप फैट फ्री यूज करना चाहते हैं और नहीं घी या रिफाइंड का तड़का लगाना चाहते हैं तो आप इसको नेचुरली वैसे भी यूज कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, एक चम्मच घी डाल दिया है। अब घी के गर्म होने पर हम इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। हाफ स्पून में यूज कर रही हूँ जीरा। जीरा जैसे ही ब्राउन हो जाएगा, हल्का ब्राउन, आपने फिर इसमें चटनी का छोंक लगा देना है। इसको आप इस तरह से डाल सकते हैं, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए बहुत ही इजी है, बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है, बहुत जल्दी ये बन जाती है। लाइक कभी गेस्ट आए हैं और आपको कुछ एक्स्ट्रा बनाना है तो इट्स अ वेरी इजी रेसिपी। 2 मिनट तक पकाना है इसे। अब देखिए थोड़ा सा कलर भी छोड़ रही है ये। आप लोग चाहें तो इसमें रेड चिली पाउडर भी यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब ये बिल्कुल तैयार है, अब मैं इसे बाउल में निकाल ले रही हूँ। देखिए ये आपकी चटनी बिल्कुल तैयार है। आप इसे पकौड़ों के साथ, स्नैक्स के साथ या रोटी के साथ अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। हमें जरूर बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी जरूर करें। थैंक यू सो मच।